अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हैं आप लोग? मेरी एनर्जी से आपको मेरी हैप्पीनेस का अंदाज़ा हो रहा होगा और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और यकीनन आप भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। फाइनली ऐलान हो चुका है कि जी एशिया कप जोनस है वो पाकिस्तान में ही हो रहा है। जोन से चार मैचेज हैं, खैर बाकी तो हाइब्रिड पर मंजूर हो चुके हैं और अब किसी किस्म की कोई वो नहीं रहेगी, कोई यानी कि कहते हैं ना जी अब ऑफिशियली हो चुका है, मंजूर हो चुका है और किसी किस्म फेक न्यूज़ नहीं रहेगी अब किसी किस्म की भी। और एशिया का भी मुझे लगता है सोचता होगा कि यार इतनी देर बाद अब जाके फैसला हो रहा है मेरे पे। और जो जो आपको भी पता है क्या क्या कंट्रोवर्सी चली थी, चले मैं थोड़ा सा हाईलाइट डाल दूँ कंट्रोवर्सी पे। जैसे कि आप जानते हैं कि जी एशिया का मंजूर हुआ था पाकिस्तान में, उसके बाद ये हुआ कि जी इंडिया को मसला हो गया कि जी एशिया का पाकिस्तान में हो रहा है, ऐसा तो नहीं हम होने देंगे। तो इंडिया ने कहा कि जी हम एशिया कप पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, चाहे आप जो मर्जी कर लें। फिर पाकिस्तान ने सोचा कि अब क्या करें, फिर नजम सेठी साहब ने बोला ठीक है आप ना आए पाकिस्तान, हम हाइब्रिड मॉडल पे एशिया कप करवा लेते हैं, ठीक है तो आप उधर करा लें। नजम सेठी साहब ने दुबई का बोला उनको, लेकिन जब इंडिया ने ये देखा कि जी ठीक है ये तो आप हाइब्रिड मॉडल पर हमें लेके जा रहे हैं तो ठीक है हम ऐसा करते हैं। हालांकि इंडिया भी जानता था जाहिर आईसीसी का रूल है यही, तो इंडिया ने कहा कि जी उधर दुबई में तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हालांकि पहले भी एशिया कप से दुबई में होता रहा, 2018 के एशिया कप दुबई में हुआ था, अब पता नहीं क्या हुआ था, शायद तब ठंड होगी, खैर महीना तो यही थे लेकिन शायद ठंड होगी। तो फिर ये हुआ कि जी उन्होंने कहा हमने दुबई में नहीं खेलना, आप ऐसा करें कि ना श्रीलंका में करवा लें, ठीक है। तो नजम सेठी साहब ने बोला ठीक है आपने दुबई में नहीं खेलना, हमारे पास इंग्लैंड का ऑप्शन है, लेकिन इंडिया ने तब श्रीलंका को भी साथ मिला लिया था क्योंकि श्रीलंका को ये नज़र आ रहा था कि जी एशिया कप हमारी कंट्री में होगा और जितनी भी जो गेट बनी है वो हमारे पास आएगी, लेकिन ऐसा तो नहीं होना था क्योंकि जी जो होस्ट है वो तो पाकिस्तान था, जो गेट बनी है वो तो पाकिस्तान के हिस्से में आनी है, एशिया कप जहाँ मर्जी हो जाए, गेट बनी जो सी है वो हमारे हिस्से में आनी थी। चले फिर खैर बांग्लादेश भी साथ मिल गया, बांग्लादेश पहले मंजूरी दी लेकिन फिर साथ मिल गया इंडिया के। फिर नजम सेठी साहब ने बोला ठीक है गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ठीक है आप उधर करवा लेते हैं जी एशिया कप, क्या कहते हैं इंग्लैंड में करवा लेते हैं, तो ठीक है अगर आप यानी कि अगर आप नहीं आएंगे आप हाइब्रिड मॉडल पर भी आएंगे नहीं मानेंगे तो हम इंडिया भी नहीं आएंगे, हम वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं आएंगे। और अब मेरे ख्याल से अब ख्याल क्या खैर अब ये मुजाकरात हुए हैं, चूँकि इंडिया जोन सा वो 45 मिलियन डॉलर का नुकसान नहीं था उठा सकता, क्योंकि इंडिया को समझ आ गई थी कि जी नजम सेठी साहब अब बहुत यानी कि अपने प्रॉपर डिसीजन में है और फाइनल डिसीजन में है कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, तो इसीलिए इंडिया ने सोचा कि हम ये नुकसान नहीं उठा सकते, हम कैसे स्टार स्पोर्ट्स को पैसे वापस करेंगे। और जी क्या कहते हैं आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जी पाकिस्तान और इंडिया के मैच से ही टीआरपी बनती है, सारे लोगों को इस मैच का इंतज़ार होता है और किसी मैच का इंतज़ार हो या ना हो लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस का पूरी दुनिया में मशहूर है, तो अगर पाकिस्तान ना जाता तो इंडिया को सीधा सीधा नुकसान था और हर पाकिस्तान को भी नुकसान था, मींस के कुछ क्या कहते हैं कुछ डॉलर्स का भी नुकसान था लेकिन इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान था। तो पाकिस्तान ने तो बोला था, नजम सेठी साहब ने बोला था कि हम पीएसएल से इतना पैसा जनरेट कर लेते हैं जिससे हम अपना नुकसान कवर कर पाए और खिलाड़ियों की जो उनकी सैलरी है वो भी ना कटे और किसी किस्म की कोई डिडक्शन ना हो खिलाड़ियों में। तो बहरहाल इंडिया ने फिर यही सोचा था कि ठीक है अब जाहिर है उन्होंने क्या कहते हैं कोशिश तो बड़ी की, यानी कि परेशान भी बहुत ज़्यादा किया, लेकिन फाइनली इंडिया मान चुका है और अब जी अब आप तैयारी पकड़ लें, आपने भी अब मैचेस देखने की तैयारी पकड़ लें, स्टेडियम में तो आपने खैर देखनी है, खैर सॉरी कह रहा हूँ घर में तो आपने देखनी है, लेकिन मैं आपसे ये अपील करूँगा कि आप स्टेडियम में जाके मैच देखें। काफ़ी देर बाद ये यानी कि एक अच्छी न्यूज़ सामने आई है और इंटरनेशनल का एक बड़ा मैच एशिया कप वो पाकिस्तान में होने जा रहा है, तो जी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, ऑब्वियसली आप भी एक्साइटेड होंगे, मैं भी हूँ। तो आप में मैच में मिलते हैं स्टेडियम में, ठीक है। अब तो मैं अभी से अब मैं सोच रहा हूँ कि कब टिकट वगैरह करवाऊँ मैच की, तो इंशाल्लाह मैं तो सोच रहा हूँ कि चारों के चारों मैचेस देखूँ। ओके जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्रिकेट को देखें, क्रिकेट को इंजॉय करें और स्टे पॉजिटिव, ठीक है, और हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से लिया करें, नेगेटिव ना इतना हुआ करें। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।